हेलो व्यूअर्स, ऑनलाइन सुविधा में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त कुंदन सिंह अपने कुंदन ऑनलाइन सुविधा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे 100+ वीडियोज हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड और टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को यूज करें और हमारे वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन पोस्ट ऑफिस GDS का जो वैकेंसी आया हुआ है उससे संबंधित है। और इसके लिए जो वैल्यूएबल नॉलेज है, मैं आपको बता दूँ कि पोस्ट ऑफिस GDS की भर्ती जो है वो 2024 में निकाली गई है। उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट कर दिया गया है और केवल 10वीं पास लोग, यानी जो कम से कम 10वीं पास थे, वो इस वाली को भर सकते हैं। और उसके लिए जो पद है वो 44,288 पद रखा गया है और सैलरी जो है वो लगभग 20 से 25,000 रुपये के बीच आपकी सैलरी होगी। और ये जो बिना परीक्षा सीधी भर्ती, यानी इसके लिए कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं, आपको भर्ती सीधी है, डायरेक्ट है, यानी आपको नंबर बेसिस पर जो है आपको ज्वाइन कराया जाएगा। और डेट आप देख सकते हैं कि 15 जुलाई से स्टार्ट किया गया है और 5 अगस्त को, यानी कि आने वाले 5 अगस्त को, यानी लगभग आपको 15 और 5 20 दिन, यानी 20 दिनों का समय दिया गया है। 20 दिनों के अंदर जो है आप इस फॉर्म को भर लें और आपके पास एक बढ़िया मौका है जॉब लेने का। और इसके लिए जो आवेदन के लिए जो फीस रखा गया वो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला या पुरुष जो भी हैं और जो EWS हैं और महिला में सभी, यानी कोई भी महिला हो उनके लिए फीस रखा गया है। जो ऑल अदर कैटेगरी जहाँ हैं, जो पुरुषों में जो OBC और जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 1,000 रुपये का जो है फीस है, सॉरी 100 रुपये का फीस रखा गया है। तो जल्द से जल्द जो है आप अपने नियर शॉप पे संपर्क करेंगे, साइबर कैफे पे। आप अगर मुझसे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आपको जो संपर्क करना पड़ेगा, तो जो मंगना सुधर नागरिक कॉलेज रोड में।